गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ SJ व्लॉग्स। सबसे पहले तो यार मेरी दाढ़ी बन गई, जो 3 दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि दाढ़ी बनाएंगे वो दाढ़ी आज बन गई है। और एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, ये जो हमारा कैफ़े है इसमें अभी पेंट जॉब चला हुआ है। ये पूरा जो वॉल हमने बनाया था इस पर पेंटिंग का काम चल रहा है, यहाँ से सारा सामान हटा दिया है, उधर भी पेंटिंग का काम चल रहा है। अगर आप देखो तो ये पूरा पेंटिंग वेंटिंग हो रहा है। और यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है वो तैयार खड़ी है। किसके साथ हम चल रहे हैं? आदर्श भाई के साथ हम चल रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा हॉस्टल तैयार हुआ है, बंक बेड तो तैयार हो गया है लेकिन उसका बेड तैयार नहीं हुआ, तो हम फिलहाल जा रहे हैं उसका बेड लाने के लिए। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चंबी। हाँ, पास में चंबी जा रहे हैं। चंबी फैक्ट्री जा रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, फैक्ट्री में जाके डायरेक्ट वहाँ से बेड्स उठाएंगे। तो देखो यार, ये है हमारा, अभी शायद ये पैक करेंगे हम 20 पीस, और इधर बहुत सारे ब्लैंकेट भी हैं, तो हम ब्लैंकेट भी देख रहे हैं कि अगर समझ में आए तो हम ब्लैंकेट भी यहीं से उठा लेंगे, और इसके साथ साथ पिलो भी। तो हमने यार एक ऐसी फैक्ट्री खोजी है जहाँ पे हर अलग अलग कंपनी का रॉ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और कंपनी उस पर जाके अपनी ब्रांडिंग करती है। तो हम अपना प्रोडक्ट जो बनवाएंगे उस पर ड्रीम वुड्स लिखवाएंगे। अभी एक्चुअली हमने कंपनी में कुछ कुछ सामान देखा और हम जा रहे हैं यहाँ पे ब्लैंकेट देखने जा रहे हैं, पिलो देखने जा रहे हैं। ब्लैंकेट ना? ब्लैंकेट। तो हमारे साथ भैया भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? पंकज है। मेरे भाई का नाम भी पंकज है। तो हम पंकज भैया के साथ जा रहे हैं ब्लैंकेट देखने। तो यहाँ इनका गोडाउन है जिधर हम पिलो देखेंगे। और मैंने यार फटाफट अपने इसको क्या जैकेट को चेंज कर लिया। मैं देख रहा हूँ यार हर वीडियो में यही कलर आ रहा है, इस बार पलट दिया नया जैकेट। ये देखो, ये हमारा मतलब इनका ये ब्लैंकेट है, और ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, हैवी है, मतलब ऐसा आप चाहो तो इसको गर्मी सर्दी हर जगह यूज कर सकते हो, एसी वगैरह में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये डबल बेड है। डबल तो हमारे दो रूम्स हैं, उनके लिए डबल चाहिए होगा। हाँ, डबल चाहिए होंगे, लेकिन हमें मेन हमारा ये है कि हमें सिंगल भी चाहिए। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे ब्लैंकेट सेलेक्ट कर लिया है कि ब्लैंकेट हमें कौन पसंद आया है। अभी हम जाके रेट पता करेंगे, अगर रेट हमें पसंद आता है तो हम यहीं से ब्लैंकेट फाइनल कर लेंगे। 20 पीस हमें चाहिए था सिंगल बेड के लिए और 2 पीस चाहिए था हमें डबल बेड के लिए। तो अभी देखते हैं, अगर रेट समझ में आता है तो यहीं से ले लेंगे। यहाँ पर हमारे 8 मैट्रेस तैयार हो गए और बाकी जो है यहाँ पे कटिंग हो रहा है। ये पूरा बड़ा मैट्रेस आता है, इसको काट के छोटा बनाते हैं, मतलब 2 साइड का बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे सारे जो बेड हैं वो लोड हो चुके हैं। ये हमारे निर्दोष भाई हैं। निर्दोष भाई, हेलो। हेलो। जो भी हमें कुरियर कुछ सामान इधर उधर कराना होता है, निर्दोष भाई आ जाते हैं, सारा काम हो जाता है। और बाकी हम यहाँ से पिलो भी ले रहे हैं, अभी पिलो आएगा वो भी इधर ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सारा सामान लोड हो रहा है, और अभी मैं यहाँ से सीधा ड्रीम वुड्स नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से पहले जाऊँगा कांगड़ा, क्योंकि मुझे उधर कुछ काम है। मेरे साथ आदर्श भाई भी जाएंगे। बाकी यहाँ पे पहले पूरा सामान लोड हो जाए। हमने पिलो भी ले लिया, हमने मैट्रेस भी ले लिया, ब्लैंकेट अभी हमने नहीं लिया है क्योंकि यहाँ का रेट थोड़ा ज़्यादा लगा हमें। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आया था जॉकी के शोरूम में टी शर्ट लेने के लिए, टी शर्ट मतलब फुल टी शर्ट। एक ये कलर लिया हमने, मैंने, और एक और देख रहा हूँ इस कलर में। तो यहाँ पर यार मैंने ये टी शर्ट ले लिया और लेके पहन भी लिया, क्योंकि मुझे बस एक टी शर्ट पहनना था। पहले वाला जो पहना था वो हाफ टी शर्ट था और धूप बहुत ज़्यादा है, पूरा टैन हो जाता है। मैंने कहा चलो अब टी शर्ट मिल गया तो इसको पहन लेते हैं, और अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं अपने घर, क्योंकि वहाँ पे गद्दा भी आ गया होगा, उसको भी अरेंज करवाना है। फटाफट निकलते हैं। यहाँ पे अचानक ही आदर्श भाई का प्लान बनाया कि गोलगप्पे खाते हैं। आदर्श भाई भी अपने टाइप में है, पूरा गोलगप्पे लवर। स्पेशल चाट भंडार कैसा है? तुम बताओ कैसे? हाँ भाई, फिर कैसे है गोलगप्पे? तो गोलगप्पे खाने गए, तुम्हें पता है हम गोलगप्पे खाने गए थे? अरे मुझे भी खिला देते यार। तुम थे नहीं, वरना खिला देते। अरे फिर से चले। तो अभी हम अपना लंच करेंगे, फिर उसके बाद सारे गद्दे आए, तुमने देखे क्या? बेड आ गए। गद्दे में देखता
तुम्हारा नाम मयंक है? नहीं, मारुत है। इसका नाम पल्लव है, इसका नाम कर्मण्या भी है। तुम्हारा भी कोई और नाम है? बहुत है, क्या अलग अलग बुलाते हैं। ओ। इसने मुझे कभी भी नहीं बताया अपने। अच्छा, खैर इसका नाम मारुत है और एक और फ्रेंड है मयंक। उसकी मम्मा ने बोला है कि एक सेकंड में जल्दी घर आओ, नहीं तो रेस्ट इन पीस नहीं होगा। फिर वो बस एक झापड़ का काम है और नहीं। उसकी मम्मा बहुत मारती है, हमने लाइव देखा है। इसने देखा है? मैंने लाइव देखा, मैंने सुना है, मैंने देखा है। मुझे अपना बचपन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। पर मुझे ऐसे पिटाई नहीं होती थी, इतनी थोड़ी होती थी। तो जो गद्दे हम लेकर आए थे वो इस तरीके से बंक बेड पे हमने अरेंज कर दिए। अभी बड़ा देसी सा लग रहा है, इसको प्रीमियम बनाएंगे जब इस पे वाइट चादर और पिलो वगैरह आ जाएगा। अभी फिलहाल इधर इस रूम में तो पैक हो गया, बाकी जितने भी गद्दे हैं वो उस रूम में लगाते हैं। तो इस रूम में भी मैट्रेस और पिलो लगा दिए। यहाँ आदर्श भाई टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने पिलो भी ले लिया था यार। अब बस इसके ऊपर बेडशीट लगनी है। यहाँ पे लॉकर आएगा, लॉकर भी हमने बात कर लिया है, ये थोड़ा बहुत साफ़ होगा। और यहाँ पे लाइट कम है तो लाइट्स वगैरह लगेगी। बाकी हमारा बंक बेड रेडी टू होस्ट है। देखो बैठते हुए कितना अच्छा लग रहा है। अगर तुम ये चीज ऐसे बनाते हाँ। तो ये ऊपर वाला मस्त लग रहा है बैठने में। अब तकिया भी एक नंबर लिया हमने। ओवरऑल आज का दिन बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव रहा है, क्योंकि हमारे लगभग सारे काम हो गए। टी शर्ट भी मिल गई, दाढ़ी भी बन गया, बेडशीट नहीं गद्दे आ गए, मैट्रेस आ गए। दलर नहा धो के कहाँ चला गया? ये कहाँ से लगवा के आई है? ये इतना सब कुछ कहाँ से लगवा के आया, ये बताएगा थोड़ी। जाता है इधर उधर पूरा। डॉलर आजा ऊपर आजा, यहाँ आ जा। डॉलर कम, सिट हियर, सिट। डॉलर एक बात बता, तेरी डॉलर ही नहीं है, हैं? डॉलर ये खा पी के ना दिन में इतना ज़्यादा मस्त हो जाता है। देखो इसको, तेरी डॉलर ही नहीं है, डॉलर ही। देखो कह रहा सोने दो मुझे। ये देखिए अभी मुर्गा पेले है, अब पड़ गए। सो जा स्लीप। तो यार मैट्रेस लगने के बाद आज हमारा यहाँ पे लाइट का भी काम लगा हुआ है। हर जो बंक बेड है, हर बेड के पास अपना एक स्विच रहेगा जिसमें वो लैपटॉप यूज़ कर सकता है या फ़ोन चार्ज कर सकता है। दो सॉकेट हम दे रहे हैं और बगल में एक लाइट भी रहेगी। यहाँ अगर आप देखो तो ये लाइट ये इस तरीके से वॉल पर माउंट हो जाएगी। और यहाँ जो ये सॉकेट लगा हुआ है इस पे दो सॉकेट इस तरीके के, कहाँ रखे भैया सॉकेट? ये देखो इस तरीके के सॉकेट। और इस पे आप चाहो तो अपना लैपटॉप या फ़ोन वगैरह चार्ज कर लो और बस मस्त बैठे रहो। और आगे चल के ये भी सोच रहे हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो हर बंदे के लिए अपना एक छोटा सा फ़ैन लगा देंगे उसको। वैसे तो हम यहाँ पर पूरा इसको एयर कंडीशन बनाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम होता है जब ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो उस टाइम एसी तबीयत ख़राब कर सकता है। तो हम यहाँ पे छोटा छोटा फ़ैन हर जगह देख रहे हैं अभी उसका भी, इसीलिए हमने दो सॉकेट दिया था कि आगे चल के उधर फ़ैन भी एडजस्ट हो जाए। बाकी जैसे आपको पता है कि हमारा मैट्रेस भी लग गया है, पिलो भी आ गया है। पिलो हमने अभी यहाँ पे टेस्ट भी किया, पिलो बहुत सही है। और इसकी बेडशीट भी आ गई है, पिलो कवर्स भी आ गए हैं, ब्लैंकेट भी आ गया है। तो बस इन अ डे और टू हम इसको स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर आप आ सकते हो और मस्त यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। ये वाला जो रूम है इसको हमने नाम दिया है करेरी व्यू। हालांकि यहाँ से करेरी लेक नहीं दिखती, लेकिन हर का नाम दिया है, इससे व्यू दिखता है इसीलिए करेरी व्यू। और वो थोड़ा सा हाइट पे है इससे, तो उसको त्रियुंड पीक थोड़ा सा शायद हो सकता है नाम बदल भी सकते हैं। अगर कुछ सामने वाला कुछ हमें इनपुट दे तो हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल यही नाम है। कहाँ चले तुम? रूम में नहीं, चलो यही खाएंगे, क्योंकि आप फैमिली दैट स्टेज टुगेदर ईट्स टुगेदर ग्रोज टुगेदर यही खाएंगे। तो खाना खा लिया हमने, और खाना खाने के बाद हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पर क्या खेलेंगे? चेस खेलेंगे। चेस है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास ये टैब है,
ये एक्चुअली मुझे TVS ने दिया था, इसको मैंने कवर ओवर लगा दिया है। तो इस पर चेस इंस्टॉल करेंगे और चेस खेलेंगे। तो यहाँ पे चेस आ गया है और बहुत खोजने के बाद टू मल्टीप्लेयर वाला मिला जिसमें हम दोनों बंदे ऑफलाइन खेल सकते हैं। टोपी क्या लगा के रखा है, टोपी लगाने के बाद भी लोग हारते हैं, अभी देखना। चलो मैं खोल देता हूँ फिर। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाइट्स मूव। A few moments later. फुल दिमाग चल रहा था थी। लेकिन अच्छा खेला तुमने, तुम जितना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज्यादा अच्छा खेला तुमने। और यहाँ पे मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण करमन्या ने मेरा क्वीन खत्म कर दिया। नाइस वन करमन्या, नाइस। करमन्या के गेम में वापसी। देखो ये गेम बहुत तगड़ा चला, अभी भी चल ही रहा है। करवन्या ने मेरे क्वीन को अंदर कर दिया था, मंत्री काट दिया था, तो मंत्री वापस आ गया है। करवन्या के पास बस एक इसका राजा है। करवन्या क्या करोगे इस राजे के साथ, दे दो। देखो फिर से जीत गया मैं, ये रीस्टार्ट में क्लिक कर रहा। कोई बात नहीं करवन्या, नेक्स्ट टाइम हाथ मिलाओ। जैसे लोग हारते हैं फिर भी हाथ मिलाते हैं, कोई बात नहीं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है आपको ये डेली व्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक अगर आपको देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा। चश्मा हटा देता हूँ, वो फ्लैश लाइट का लाइट आता होगा। तो गाइज मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर हमें पहली बार देख रहे हो तो फेसबुक पर ऐसे ही आगे देखने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, SJ Vlog SSS, जिधर हम सारी स्टोरीज़ बताते रहते हैं और सारे अपडेट्स देते रहते हैं वीडियो से पहले। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो पर, नए व्लॉग में। तब तक।